Assalamu alaikum. I welcome you all to your very own channel, Speak English with Fahad. Once again, this is me, Sabrina, collaborating with Professor Fahad in order to elaborate and assist you with the compulsory subject, General Science and Ability. Today in this tutorial, my 100% focus will be to explain the universe and its evolution. Kuch headings ko hum highlight karenge, jisme se universe ki composition aa jati hai, kuch evolutionary theories ko touch karenge, uske ilawa kuch aisi terms ko padhenge जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका एक 20 मार्क्स का सवाल बन सकता है. उसके अलावा मैं आप लोग को एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ. दिस इज डिस्क्राइब हबल्स लॉ टू एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स. बेसिकली आपने इस क्वेश्चन पे एक असाइनमेंट लिखनी है, हबल्स लॉ टू एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स. ये क्वेश्चन टू पास पेपर्स में 2018 में रिपीट हुआ था, जिसमें आपने मेथड्स बताने थे. मैंने यहाँ पे मेथड मेंशन कर दिया है, हबल्स लॉज मेथड टू एस्टिमेट द एज ऑफ द यूनिवर्स. आपके पास वेडनेसडे तक टाइम है. आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है छोटी सी, उसके अलावा आपने उसको कंपाइल करना है, पिक्चर्स लेनी है, एक फाइल बनानी है, और वेडनेसडे के दिन 8 PM आपने इसको पोस्ट करना है. मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लेक्चर, सबसे पहले हम यूनिवर्स की डेफिनेशन को एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं. यूनिवर्स इज डिफाइंड एज अ समेशन ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन एनर्जी दैट एग्जिस्ट्स. हमारे पास जो सारे पार्टिकल्स, सारी एंटिटीज, सारी एनर्जी, सारी एग्जिस्ट करती है एक खला में, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं कलेक्टिवली. मगर कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल पार्ट को कहते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्स है जिसमें सब कुछ ऑब्जर्व हो रहा है, उसे हम यूनिवर्स कहते हैं. बाकी जो डार्क एरियाज है, जो एम्प्टी एरियाज है, उसके ऊपर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई, वो अभी तक एक कंस्पिरेसी है. हम एटिमोलॉजी पे आते हैं यूनिवर्स की. जो यूनिवर्स का वर्ड है, ये जो वर्ड है लैटिन से एक्सट्रैक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग टू वर्ड्स, यूनी एंड वर्सेस. यूनी का मतलब है सिंगल, वन. वर्सेस का मतलब है इसका मतलब है टर्न. यूनी वन, टर्न इनटू वन, इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ों को एक साथ कंपाइल कर देना. नाउ कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स. हमारे पास यूनिवर्स किन किन चीज़ों से बना है. वट द यूनिवर्स इज मेड ऑफ 20% डार्क मैटर, 74% डार्क एनर्जी, 4% नॉर्मल मैटर. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे. नॉर्मल मैटर में हमारे पास बेसिकली गैसेज आ जाती हैं, हीलियम आ जाता है, उसी तरह कुछ और एंटिटीज़ हैं. जो मास एनर्जी डेंसिटी है यूनिवर्स की, वो है 9.9 × 10⁻³⁰ ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. अब डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और उसके बाद इनकी थोड़ी डिफरेंसेस देखते हैं. जो डार्क मैटर है, बेसिकली इट एमिट्स नो लाइट. ये एक्चुअली एक डार्क बॉडी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है बस. वेयर एज जो डार्क एनर्जी है, वो एक ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड करने में मदद कर रही है. एक्सपेंशन का मतलब है फैलाना, ग्रोथ करना, एक्सेलरेट करना, या फिर और ज़्यादा एक्सपोज करना. अब जो डार्क मैटर है, उसकी दो टाइप्स हैं जो कि मैसिवली डिस्कवर की गई हैं. पॉसिबिलिटी, इनकी पॉसिबिलिटी अकरेंस देखी गई है कि ये पाए जाते हैं. वेयर एज जो डार्क एनर्जी है, उसकी एक एग्जांपल है न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं की गई. अभी तक इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये क्या है. जो माचोस है, बेसिकली दीज आर मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स. ये बेसिकली बड़े से प्लैनेट्स हैं, ब्राउन ड्वार्फ्स भी इसे कहते हैं, या फिर जुपिटर की तरह कुछ प्लैनेट्स हैं, कुछ एंटिटीज हैं, उनको मैसिव कॉम्पैक्ट हेलो ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है. वेयर एज जो वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हैं, ये वो हैं, ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में भी फर्दर कुछ रिसर्च नहीं की गई, मगर इनकी अकरेंस पाई जाती है. अब बात करते हैं ब्लैक होल की. ये एक 21st यूनिवर्स सेंचुरी की एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है जिसके ऊपर अभी तक रिसर्च चल रही है. ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग है कि जो भी इवन जो लाइट वहाँ पे एंटर होती है तो वो स्पेगेटिफाइड हो जाती है. स्पेगेटिफाइड का मतलब उसका मतलब ये है कि ये स्पायरल फॉर्म में उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है. कुछ भी उसके अंदर पास नहीं हो सकता, वो उधर ही ख़त्म हो जाता है.
दो इसका ये है कि इसके ऊपर और भी रिसर्च की जा रही है। अब बात आती है टोपोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। बेसिकली जो यूनिवर्स की शेप के बारे में बात की जा रही है, कुछ थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन की गई हैं, मगर इनमें से जो मोस्ट प्रोबेबल है वो फ्लैट यूनिवर्स है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की शेप ओपन है, कुछ कहते हैं फ्लैट है, कुछ कहते हैं क्लोज्ड है। ओपन का मतलब ये है कि ये जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रही है, वो फास्टली एक्सपेंड कर रही है। इसके लिए एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी, वो इसको सपोर्ट करती है। वेर इज जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब ये है कि यूनिवर्स की एक ऐसी स्पेसिफिक शेप है जिसमें वो बन जाती है और उसके बाद एक बड़ा सा क्रंच आता है और यूनिवर्स खत्म हो जाता है। वेर इज जो फ्लैट है, फ्लैट का मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है वो बेसिकली स्लोली एक्सपेंड कर रही है। मगर ये भी बेसिकली 100% प्रूविन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात की जाए, अगर बिग बैंग थ्योरी की बात की जाए, तो उसमें यही फिनोमेना कहा जाता है, और हबल्स लॉ में भी यही फिनोमेना कहा जाता है कि जो यूनिवर्स है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है वो बेसिकली एक्सपैंड हो रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस हो रहे हैं। तो उसमें अगर बात की जाए तो ये चीज़ अप्रूव नहीं होती। अब बात करते हैं ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बना कैसे? बेसिकली एक आप अगर एक बलून को, ठीक है, आप अगर एक बलून को इमेजिन करें कि आप छोटे से बलून में एयर, ठीक है, एयर इनहेल कर रहे हैं, उसमें एयर एक्सहेल कर रहे हैं, और बलून में सारा इन्फ्लेशन हो रही है, वो एक्सपैंड हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बलून जो है उसमें ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहेगी, उसके जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो एक्सपैंड कर जाएगा, एक ब्लास्ट होगा और उसके अंदर जो सारा ग्लिटर होगा वो फट के सारा फैल जाएगा। तो इसी तरह जो बिग बैंग थ्योरी है वो भी यही एक्सप्लेन करती है कि एक सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ ब्लैक होल्स ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी। अब ब्लैक होल से भी इसको रिलेट किया गया है कि जो ब्लैक होल का जो सेंटर है उसे एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इसी तरह बिग बैंग थ्योरी में भी वन डायमेंशनल पॉइंट कंटेनिंग ह्यूज मास इन अ स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी। अब उस सिंगुलैरिटी से क्या में क्या था, सारी चीजें उसमें एक कंडेंस्ड फॉर्म में थी। उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम आया, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बिग बैंग इको हुआ, एक यूनिवर्स इको हुआ, उसके बाद ये जो सारी उसमें एंटिटीज थी वो एक्सपैंड कर गई। एक्सपैंड होने के बाद क्या हुआ, कुछ मटेरियल डार्क था, प्लैंक पीरियड था, उसके बाद एपोक्स हुए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, गैसेस थी, एनर्जी की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कूल होने लगा और सारी जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, एंटिटीज हैं वो इनटू द बीइंग आ गई। अब बात करते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये लाइट है बेसिकली क्वांटम फ्लक्चुएशन, ये बिग बैंग थ्योरी के हाफ कुछ क्वार्टर सेकंड के बाद के टाइम को एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद डार्क एजेस आए, डार्क एजेस का मतलब ये है कि कोई भी लाइट नहीं थी। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज, प्लैनेट एटसेट्रा, डार्क एनर्जी एक्सेलरेटेड एंड एक्सपेंशन। जो डार्क एनर्जी है यहाँ पे भी दोबारा एक्सप्लेन किया गया है इस डायग्राम में अपर कॉर्नर में, कि जो डार्क एनर्जी है वो बेसिकली यूनिवर्स की एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। और ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये बेसिकली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। मगर कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी नहीं है, ये बिग बाउंस है। बिग बाउंस का मतलब ये है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स बनता है, उसके बाद यूनिवर्स ग्रो करता है, और उसके बाद एक यूनिवर्स क्रंच आता है, एक बिग क्रंच आता है जिसकी वजह से यूनिवर्स पूरा कोलैप्स होके खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद दोबारा यूनिवर्स बनता है, फिर यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, और उसके बाद दोबारा कोलैप्स कर जाता है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये उसमें भी ठीक है कि हाँ, एक दिन कयामत आनी है और सब चीज़ों ने ख़त्म हो जाना है। मगर ये थ्योरी साइंटिफिकली 100% प्रूविन नहीं है, क्योंकि अगर ये साइकिल चल रहा है, ठीक है, एक लूप चल रहा है, तो उसमें साइंटिस्ट ये चीज़ 97 ईयर्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि अगर एक यूनिवर्स खुद ब खुद बन सकता है और खुद ब खुद ग्रो कर सकता है, खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ये इस डिस्ट्रॉय, इस बिग क्रंच को क्यों नहीं रोक पा रहा। नेक्स्ट स्लाइड में हम यूनिवर्स की क्रिएशन को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हाईलाइट करेंगे। कुछ हदीत को मैंने ब्लू उससे हाईलाइट किया है, जिसमें कुरान में कहा गया है कि द हेवन एंड अर्थ वर जॉइंड टुगेदर एज वन यूनिट बिफोर वी क्लोव देम असंडर।
कम टुगेदर विलिंगली और अनविलिंगली दे सेड वी कम टुगेदर इन विलिंग ओबीडियंस। ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया, उसको एक यूनिट में ज्वाइन किया। दूसरी एक कुरान में आयत है जिसमें स्टेटेड है, इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज स्विंग अलोंग ईच इन इट्स राउंडेड कोर्स। इसमें ये कहा गया है, ये बहुत ही पावरफुल वर्स है जो कि साइंटिस्ट इससे काफ़ी एस्पायर हुए हैं कि सदियों पहले जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई टेलीस्कोप था, ना कोई ऐसी पावर थी जो कि इन सब चीज़ों को डिटरमाइन कर सकती थी, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, फिर भी एक ऐसी किताब है जिसमें सारी चीज़ों की प्रेडिक्शन की गई है। बेशक ये किसी आला हस्ती का काम है, ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। सुभानअल्लाह, यहाँ बात की गई है कि अल्लाह ताला ने दिन रात बनाए, चांद सूरज बनाए, सेलेस्टियल बॉडीज बनाए, इवन यहाँ पे ऑर्बिट्स का भी जिक्र किया गया है कि स्विम अलोंग ईच इन इट्स राउंडेड कोर्स। राउंडेड कोर्स उसमें क्या है कि रेवोल्यूशन हो रही है, रेवोल्यूशन की बात हो रही है। नाउ एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, इसके बारे में जो हदीत है वो ये है, द हेवंस वी हैव बिल्ट देम विद पावर एंड वेरली वी आर एक्सपेंडिंग इट। इसमें यहाँ पे पावर की बात की है, पावर फोर्सेस से रिलेटेड है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है, जो एक्सपेंशन की बात की हमने, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द कुरान स्टेट्स दैट अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ एंड ऑल दैट इज बिटवीन इन सिक्स डेज। 6 दिन में पूरी कायनात को बनाया गया था, मगर ये जो 6 है इसको अरबी में योम कहते हैं। योम को काफ़ी हदीत में बिलियंस ऑफ ईयर्स एराज उसमें डिनोट किया गया है, जिसमें 50,000 ईयर्स भी कहीं कहीं उसको लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स जो है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनी थी। लाइफ केम फ्रॉम वाटर, द कुरान डिस्क्राइब्स दैट अल्लाह मेड फ्रॉम वाटर एवरी लिविंग थिंग। इसमें ये कहा गया है कि हर जानदार को पानी से बनाया गया है। This was all about my tutorial. Last में मेरा एक question है, what is your conception about the creation of universe on the accounts of scientific and Islamic point of view? State in a brief paragraph. आपने scientific view को भी लेके और Islamic point of view लिखी line से, उनको relate करके एक छोटा सा paragraph अपना view बताना है कि कौन सी theory ज़्यादा मतलब उसके supportive है, क्या चीज़ सच है कि कायनात कैसे बन सकती है, क्या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है या फिर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। जो बिग क्रंच और बिग बाउंस की हमने बात की, क्या ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं या ये इस्लाम से रिलेट करती हैं, ये कुरान की जो आयत है उनसे रिलेट करती है, उनके बारे में आपने थोड़ा सा लिखना है। दैट वॉज ऑल अबाउट माई ट्यूटोरियल टूडे। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ अगर ना आया हो, Do not hesitate to write it in the comment section. Allah Hafiz for now. Next tutorial mein phir hamari mulaqat hogi.